महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक भूकंप के चलते गढ़चंदूर में शिक्षक ने एक दिन के अवकाश की मांग मुख्याध्यापक से की। ऐसा किस लिए, देखिए इस पूरी खबर में। महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम लगातार सरकार बनाने के संबंध में बदल रहे हैं। एक ओर जहां मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने तथा उप मुख्यमंत्री के रूप में अजित पवार ने शपथ ले ली है, मगर समाचार लिखे जाने तक मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और देवेंद्र फडणवीस बहुमत सिद्ध कर पाते हैं या नहीं ये तो समय ही बताएगा। मगर महाराष्ट्र के इस राजनीतिक भूकंप से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। कब कौन किस ओर जाएगा कुछ कह नहीं सकते और इन सारे प्रश्नों के बीच अनेक प्रकार के प्रश्न जनता के मन में निर्माण हो गए हैं। मुंबई के राजनीति में आए भूकंप से गढ़चंदूर के एक शिक्षक को बहुत बड़ा झटका लगा है और इस संबंध में शिक्षक ने एक दिन की छुट्टी स्कूल के प्रधानाचार्य से मांगी, जिसमें शिक्षक ने उल्लेख किया है कि इस राजनीतिक भूकंप के चलते शिक्षक की मनस्थिति ठीक नहीं है और उसे निकलने में कम से कम एक दिन लगेंगे, ऐसा निवेदन दिया है। मगर छुट्टी का निवेदन प्रधानाचार्य द्वारा नामंजूर किए जाने से भारी अंतकरण के साथ शिक्षक ने स्कूल में पहुंचकर हाजिरी लगाई। वहीं इस संबंध में शिक्षक का कहना है, सरकार कोई भी स्थापित करे मगर सरकार का गठन जल्दी हो। तो सुनिए इस संबंध में शिक्षक ने क्या कहा। सकाळी मग मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस साहेबांनी शपथ घेतली आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार साहेबांनी। हे सारा घटनाक्रम जसं घडलं मी माझ्या पूर्ण लाईफ मध्ये जीवनामध्ये असं कधीच घडताना पाहिलं नव्हतं आणि त्याच्यामुळे मला थोडस अत्यस्त वाटायला लागलं आणि म्हणून तो अर्ज मी टाकलेला होता। परत मला एक सांगायचं वाटते की सरकार कोणाचंही म्हणून त्याच्यामध्ये काही हरकत नाही, परंतु ते लवकरात लवकर बनावं। शेतकऱ्यांचं जे परतीच्या पावसामुळे जे नुकसान झालं ते नुकसानाची भरपाई मिळावी आणि विना अनुदानित शिक्षकांचा जो प्रश्न आहे तो लवकर सुटला पाहिजे, बस एवढंच माझं म्हणणं आहे। महाराष्ट्राचा विकास झाला पाहिजे। हमारे प्रतिनिधी गणेश लोंढे की रिपोर्ट।